नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा में। आज यहां पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी राम सिंह नेताजी के द्वारा जो विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, बहुत ही जोर शोरों से चल रही है। और राम सिंह नेताजी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन उनका काम और कार्यशैली देख कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनको टिकट दी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। आज भी विपक्षी पार्टी दावा कर रही है कि राम सिंह नेताजी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जो दिल्ली का आंकड़ा बता रहा है, ओपिनियन पोल बता रहा है, आम आदमी पार्टी बहुत ही जोरों शोरों से जीत रही है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ और मैं आपका आभारी हूँ। सारी कसर मीडिया के लोगों ने खुद अपने आप ही चौधरी राम सिंह नेताजी की जो बची कुछी है वो पूरी कर रहे हैं, क्योंकि आप आंखों से देख रहे हो। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी पत्रकारों को मैं अपना हिंद के हर उस नागरिक को नमस्कार करता हूँ जो बदरपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में रहती है। दूसरी बात दो टूकी कहूंगा, क्योंकि बड़ा प्रवक्ता नहीं हूं और ना मैं कोई राजनीतिक इतना बड़ा आदमी हूं, मैं एक आम नागरिक की तरह हूं। मैं जाते जाते अभी आपने ताऊ जी कहकर संबंधित किया है, बहुत दिल से सैल्यूट करता हूं। राम सिंह नेताजी उस चीज का नाम है जो कभी भी किसी गरीब का सम्मान के अलावा अपमान नहीं जानते। गरीबों की बेटियों की ब्याह शादियों की जिस तरीके से प्रकाष्ठा लगाई है इन्होंने, लगभग 20 साल तो हमें हो गई देखते हुए, उसके बाद एक पानी का नीर क्षीर का जो दान होता है वो बहुत बड़ा महान दान है। 5 साल से तो विधायक नहीं थे, 5 साल से तो पूरी दुनिया की सेवा की है। और सबसे बड़ी बात, आदरणीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी अपना सर्वे सर्वा दांव पे लगा के दिल्ली की जनता को 5 साल में कार्य का जो तोहफा दिया है, स्टूडेंट के लाइफ के मद्देनजर मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। विद्या धनु धम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले यो पंखा की पोन, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे भाई। अब की बार जो आम आदमी के और राम सिंह नेताजी के जो लहर है ना, मुझे लगता है कि 12 बजे तक एक जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो 12 बजे तुगलकाबाद चले जाएंगे, और जो दूसरे हैं जो नारायण दत्त शर्मा वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के पलवल के साइड चल लेंगे। जो लहर है इतनी वोटों से नेताजी जीतेंगे जिसका कोई विकल्प नहीं कर सकता। राम सिंह नेताजी के बारे में, राम सिंह नेताजी तो आपको पता ही है लोकप्रिय विधायक बनने वाले हैं और इन्होंने इतने काम करे हैं कि जितने भी गिनाओ बहुत कम पड़ रहेंगे। क्या लग रहा है? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि फूल शबनम तलाश करते हैं, जख्म मरहम तलाश करते हैं, जब कोई आसरा नहीं मिलता तो सब नेता राम सिंह को तलाश करते हैं। सब नेता राम सिंह जीत होगी, विजय होगी जो नेताजी की होगी उसके सामने कोई भी नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया स्वागत हो रहा है, जैसा आज तक रोड शो कभी जिंदगी में ऐसा किसी वाल का हुआ ही नहीं था। मुझे ये कहना है, मैं 20 साल से बदरपुर विधानसभा में हूँ। राम सिंह नेताजी हमारे वो गरीबों के मसीहा हैं, जो नहीं रहे विधायक फिर भी हर गरीब, चाहे बूढ़ा हो या बेटी हो या बच्चा हो या जवान हो, जो भी इनके चौखट पे आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। पार्टी हमें बदलने से कोई मतलब नहीं है, हमें राम सिंह बदरपुर विधानसभा के वो मसीहा हैं और इतने वोटों से वो चुनाव जीतेंगे, ये तो इतिहास गवाह है। 70 की 70 पिछले विधानसभा में 67 हासिल की थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, लेकिन अब के 70 के 70। और बीजेपी वाले जो ये मुद्दा लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी ने जो किया है पूरे भारत में किसी सीएम ने नहीं किया है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि नेताजी नहीं जीतेंगे, बीजेपी कह रही है तो बीजेपी के तो उनके ऐसे ही नौटंकी बाज हैं। बदरपुर एनटीपीसी ये केंद्रीय प्लांट था, यहाँ पे कम से कम 20,000 मजदूरों की रोजी रोटी गई और मोदी जी हमारे माननीय मोदी जी केंद्र में बैठे रहे लेकिन कान नहीं खुले, सांसद जी के कान नहीं खुले। आज मोदी जी सिर्फ बीजेपी में पूरे भारत वर्ल्ड का नेता सिर्फ केवल मोदी जी है, बाकी जाते हैं। अगर इन्हें डर नहीं होता तो पूरे भारत के सारे केंद्रीय मंत्रियों को लगा दिया है केजरीवाल को हराने के लिए, लेकिन हमारे केजरीवाल जी 70 के 70 सीटें कोई रोक नहीं पाएगा। हर गली बच्चा जो इनका निशान है, हर घर का वो लक्ष्मी माना जाता है झाड़ू। हमारे बदर सिंह राम सिंह नेताजी, मेरा नाम उधम सिंह है, मैं राम सिंह नेताजी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और पूरी उम्मीद से हमारे राम सिंह नेताजी को आए और हमारा विकास करें और आगे। धन्यवाद।